नमस्कार, कुक एंड चिल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल सेब की सब्जी, जो आपने ज़्यादातर ढाबों में खाई होगी। सेब भाजी के लिए हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, 3 टमाटर, हरा धनिया 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी और गरम मसाला, जीरा 1 चम्मच और लाल मिर्ची 1 चम्मच। ये मैंने पैन रख दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले जीरा। अब जीरा हमारा हो गया है, अब डालेंगे प्याज। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और झटपट से बन जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये करना वो करना। जब हम इसके अंदर हमारी सब्जी तैयार होती है, मतलब हमारे पास सिर्फ ये वाली सेब होनी चाहिए। ये मैंने थोड़ी मोटी सेब ली है, बारीक नहीं ली है, क्योंकि ये बाद में बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब डालेंगे हम इसमें चॉप टमाटर। टमाटर को भी हम गलने तक पका देंगे, चाहे हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, इसको ऐसे ही पका सकते हैं। अब डालेंगे नमक, नमक से ये जल्दी पक जाता है। अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्ची और नमक, क्योंकि ये सबका टेस्ट अलग होता है, एक जैसी तो कोई नहीं खाता। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। ये सब सब्जी इतनी अच्छी बनती है कि ये झटपट बन जाती है, कोई टेंशन नहीं होती, आप आराम से बना सकते हो। ये देखो हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हमारी सब्जी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। मैंने पानी को गर्म कर दिया था, ये 2 गिलास पानी है, ये मैंने इसमें पका दिया है। ये चला, कितना अच्छा कलर आ गया हमारा टमाटर से। अब हमारा पानी पकने लग गया है तरी इसकी। अब इसमें डाल देंगे हम 2 बाउल सेब। आप अगर ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम बनानी है तो 1 बाउल से हो जाएगा। अब मैं ये दूसरा बाउल डाल, ये मैंने 5 लोगों के लिए बनाई है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर 2 लोगों के लिए बनानी है तो 1 बाउल बहुत है, अगर ज़्यादा है तो 2 बाउल डाल, क्योंकि अभी हमें पतली लग रही है और थोड़ी देर में ये सारा रस चूस लेगी और इतनी मोटी मोटी सी होगी, गाढ़ी सी सब्जी बन जाएगी। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है। अगर आपने पराठे के साथ खानी है तो बिल्कुल ड्राई बना सकते हैं, अगर चावल के साथ खानी है तो थोड़ी रस भरी रख सकते हैं। ये हमारी सेब भाजी बनके तैयार है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे लाइक करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।